ये देखो दोनों भाई हमारे नीचे गिर गए, अब बाइक उठा रहे हैं। कतई ऑफ रोड है, देखो ये पूरा यहाँ पर रपट गया पूरा ऐसे। और जो पांडे जिस स्टाइल में गिरा ना भाई साहब, सीधे रोड के किनारे। काठगोदाम का रेलवे स्टेशन और कुमाऊं का द्वार, ठीक है। ट्रैफिक तो यहाँ पर हमेशा नहीं रहता है, रोज जाम में फंसना पड़ता है। देखते हैं, कहानी बताता हूँ आपको कुछ आगे नेता लोड में कहीं बैठते हैं चाय आए के लिए, फिर उसके आपको कहानी भी समझाता हूँ। बोलिए अभी जाना कहाँ है ये भी तय नहीं है, जाना कहाँ ये तय नहीं है। सेकंड थिंग और तो सीन शॉट ये था, ये जो पागल आदमी है धीरज, इसने क्या किया, मेरे को 12 बजे फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि कहीं चलना है, ठीक है ये। और मैं तो यारी हैं खैर खास, मैंने इससे फ़ोन किया, मैंने बोला कि चल रहे भैया कहीं, इसने बोला कहाँ चलना है। अच्छा खासा बंदा सो रखा था, उसको मैंने जब से उठाया। अब बता, अब यहाँ आके जब हम पहुँच गए ये दो गाँव में, अब बता रहा है कि हम लोग ने जाना है अल्मोड़ा। फिर मैंने इनकी यहाँ से कहानी करी चेंज, क्योंकि एक मेरे दोस्त का कैंप साइड है, हम लोग जाएंगे वहाँ पे जो है शीतलाखेत में। अभी रास्ता मेरे को पता नहीं है, खैरना तक मेरे को पता है कैसे जाना है, उसके बाद हमने उससे फ़ोन करना है, उससे रूट पता करना है। पूरी एडवेंचरस राइड है, पूरी एडवेंचरस राइड है। अब देखते हैं हम लोग पहुँच पाते नहीं, बताते हैं। जिस जगह पे अभी ये पकौड़ी खा रहे हैं आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी पकौड़ी है। तो ये जगह का नाम है दो गाँव, ये आपको नैनीताल रूट में मिल जाएगी। जब आप काठगोदाम से नैनीताल की तरफ चलेंगे तो कम से कम 7 या 8 किलोमीटर ऊपर दो गाँव पड़ता है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं और पकौड़ी का मजा ले सकते हैं। बहुत सारी स्पेशलिटी है। अभी आपका जो आगे का रूट है वो मैं ट्रैवल गाइड आपको समझाएगा, फिर हम अपने जो दोस्त का कैंप साइड है वहाँ पहुँचेंगे, और कैंप फायर वगैरह का सारा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, तो हम आपको दिखाएंगे कैंप साइड कहाँ पर है और आप फ्यूचर में वहाँ पर जा सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम खाते हैं पकौड़ी, उसके बाद दिखाता हूँ आपको रास्ता बीच में कि कौन कौन सा रूट हमने फॉलो करना है उस कैंप साइड जाने के लिए। तो करीब 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली। हमें लगा जोधपुर से करीब 1 घंटा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था रास्ते में। पांडे बैठा हुआ, धीरज बैठा हुआ मेरे पीछे किल्लन में, और धीरज चला रहा पांडे की इम्पल्स। अभी तक पांडे चला रहा था, फिर उसने धीरज को था किल्लन राइड करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो कहता कि मैं तुझे बाइक चलाता हूँ, तो हमने ये वक्त रखा हुआ आपके पास कि अगर कोई भी थकेगा तो नीरज बाइक चलाएगा। तो पांडे थक गया था तो नीरज ने बाइक पकड़ ली, अगर मैं थकूँगा तो फिर वो मेरी बाइक पकड़ लेगा। वैसे मैं थकूँगा नहीं जहाँ तक मेरे है, लेकिन अगर ये दोनों थकेंगे तो ये आपस में रोटेट करते रहेंगे बाइक चलाने में। और लेकिन हम लोग बहुत ही बढ़ चुके हैं अभी, और अभी भाई डेस्टिनेशन मुझे लगता है कि होगी तो भवाली में पहुँच गए हैं। ये तो दिखा हुआ है सामने, यहाँ लिखा हुआ है भवाली, है ना। और भवाली से लेके गर्म पानी तक जो रोड है ना, कसम से बहुत अच्छी है, तो मक्खन रोड है। और इसमें तो गाड़ी चलती है, बाइक राइडिंग का इसी मज़ा मुझको इसी रोड पे आता है। इस रोड में आप गाड़ी की स्पीड भी जितना झुकाना है उतना झुकाओ मोड़ों पर, और जो राइडिंग जो ऑसम होती ना इस रोड पे, वैसे मैंने पहाड़ों पे किसी रोड और रोड पे देखी।
था, हम लोग निकल चुके हैं खेलना से, अभी बज गए हैं 5:07 हो चुके हैं। हम निकले थे वहाँ से करीब 2 बजे रुके हुए थे, 2 बजे हल्द्वानी। अब कहानी ये है कि यहाँ से जाना है हमने ढूंढना पहले वो कैंप साइट। ये रोड चले गई है पुल पार करके रानीखेत को, और ये अल्मोड़ा 33 किलोमीटर है, करंट प्रयाग 241 किलोमीटर, देखिए पिथौरागढ़ 148 किलोमीटर, अस्कोट 200 और धारका 240 और अल्मोड़ा 33 किलोमीटर। अब देखते हैं ये रोड कैसी है ना। नीचे बह रही है यहाँ पर कोसी नदी, नीचे बह रही है कोसी नदी, और लिखा पत्थर है ये शीतलाखेत। जहाँ कहाँ से जाते हैं शीतलाखेत, ये जो नीचे रोड गई है यहाँ से सीधा आगे से ऊपर को जाएगी रोड, वहाँ पर ना ऊपर से एक लेफ्ट लेना, एक लेफ्ट एक राइट लेना है, यहाँ से सामने जाओगे एक बैंक पड़ेगा आपको, हाँ, ऊपर को जाना है, वहाँ से एक यू टर्न टाइप का आएगा यहाँ पर आके, अच्छा यहाँ पर आके उधर को मुड़ जाना रोड पे, कच्ची वाली रोड पर मत जाना, ऐसी थोड़ी बहुत होगी राइट में घूमना है, मतलब मैंने लेफ्ट लेना है, पूरा टर्न आएगा, टर्न लेना है, टर्न पूरा अच्छा सीधे नहीं जाना, चलो फिर चले। तो भाई साहब ये अल्मोड़ा को रोड पे लगी, ये चलेगी शीतलाखेत को, यहाँ से नीचे हमने कूद करना है शीतलाखेत की ओर, भाई ने बताया कहीं ऊपर यू टर्न आएगा तो यू टर्न में इसलिए निकल लेना, कहीं दाएं बाएं जाने का अंधेरा भी हो गया, देखो आप काफ़ी ज़्यादा कैंप साइड मिलेगी नहीं मिलेगी हमको इसकी गारंटी। भाई साहब अभी 18 किलोमीटर और है, अभी गांव के कुछ लोग मिले थे रास्ते पे, तो उन्होंने बताया कि 18 किलोमीटर अभी आपको और जाना है, और उसमें भी कुछ सड़क कच्ची मिलेगी, अब पता नहीं कितनी कच्ची मिलेगी, ये भी कच्ची टाइप की लग रही है मेरे को, एक रूप में गाड़ियाँ तो आ रही है रास्ते में, लेकिन ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, सिग्नल रोड है पूरी की पूरी, एडवेंचर है जिंदगी का यार, रात का अंधेरा है और पहाड़ का रास्ता, मज़ा ही मज़ा है, डर भी लगता है वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन क्या डरना ये पहाड़ी जगह भी पहाड़ी तो क्या डरना है, पहाड़ पर तो ये भी है कि कहीं अटक गए तो गाँव में रह लो, तो पहाड़ी भाषा तो मौन भाषा आनी चाहिए आपको, और बात करो और कहीं कहीं गाँव में रह लो। उत्तराखंड में ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि आप कोई भी दिक्कत में होगे यहाँ के लोग मदद करने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं, ये मैंने पूरे उत्तराखंड में घूमते हुए देख लिया, चाहे मैं गढ़वाल में घूमूँ चाहे मैं कुमाऊँ में घूमूँ, दोनों ओर यही है कि लोग काफ़ी मददगार हैं। तो देखते हैं आगे रास्ता क्या कैसा होता है, फिलहाल अभी तो चल ही रही है गाड़ी जा देते इसकी स्पीड में, क्योंकि रोड थोड़ी ख़राब ही है यार। अब जरा ये चलाई यार कपार करके थोड़ा सुकून मिला था पहले होगी रोड, लेकिन कंडीशन रोड की ना भाई साहब ऐसी है, देख रहे हो आप पूरी मडी मड है पूरी रोड पे यार, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत सही हुआ था लेकिन ज़्यादातर मडी है, और मैं तो खैर सिंगल जा रहा हूँ लेकिन ये दोनों डबल जा रहे हैं, फिर मतलब स्किल्स देखो पहाड़ी लौंडों की स्किल्स काफ़ी सही रहती है ऐसा बाइक चलाने में, हाँ ना ना। और ये रोड ऐसी कहीं 5-6 किलोमीटर होगी अभी, मतलब हमने 3 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है अभी, देखो पूरी की पूरी रोड घास में जमी हुई, इस साइड निकालता हूँ गाड़ी है, इस साइड निकाल के थोड़ा लगेगा हिसाब किताब थोड़ा अलग टाइप का, अभी देखो ऐसे स्टीप आ रही है और इस स्टीप में गड्ढे इतने ज़्यादा, ये
समझ में नहीं आ रहा गाड़ी पिकअप भी कैसे ले गया आखिरकार। ये अभी सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है, कहीं 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 फंस गया, डालना पड़ रहा है। और ये देखो आप कतई है, मतलब कतई नहीं है, देखो आप इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे। और रात का वेक घुपन दे रहा है, दिन का उजाला होता है तो आदमी सोचता कि दाएँ बाएँ कहीं से निकाले। हमको आई साइड का पता चल रहा है और जंगल भी बड़ा घना है, बड़ा विकट जंगल। ये देखो दोनों भाई हमारे नीचे गिर गए, अब बाइक उठा रहे हैं। कतई ऑफ रोड है, देखो ये पूरा यहाँ पर रपट गया पूरा ऐसे। और जो पांडे जैसे स्टाइल में गिरा ना भाई साहब सीधे रोड के किनारे। चलो यार भैया रेस्ट कर लेते हैं कुछ देर। तो ये है रूम, देखो आप बहुत जबरदस्त है हमारे। बाकी का व्यू मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा, ठीक है। हम लोग इधर वेलनेस कैंप रिजॉर्ट श्याही देवी शितलाखेत में। पांडे की अलग कुछ ज्यादा हालत खराब है, बेचारा दो बार गिर भी चुका है रोड पे ऑफ रोड करते करते। वैसे चोट नहीं लग रही है, मतलब अब वो रोड मिट्टी वाली थी जैसे चोट नहीं लगी, तो वेल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। और आपने देखी होगी रोड की कंडीशन कैसी है और कैसे हम यहाँ आए हुए हैं सर्वाइव करते करते। और लाइक तो बनता है इसमें और कमेंट जरूर करना। और आप लोग जब भी आना चाहो इस रिजॉर्ट में श्याही देवी में, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपको इनके जो ओनर है, मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा और आप यहाँ कभी भी आके अपनी वेकेशन बिता सकते हो। मिलते हैं हम कल सुबह, कल सुबह देखते हैं यहाँ से हिमालयन व्यू कैसा दिखाई देता है। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।